अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन की रेसिपी दूंगी कि हम उसे घर में किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ये चिकन ब्रेस्ट लिया था, ये हाफ के जी चिकन थी जिसको मैंने ये क्यूब्स में इस तरह काट लिया है। अच्छा, इसमें मसालों में इसमें जाएगा जनाब 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून दक्कनी मिर्च जिसे हम वाइट पेपर कहते हैं, 1 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। ये सब चीज़ें हम चिकन में डाल देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। साथ में इसमें एक अंडा भी जाएगा। ये सब डाल के हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा जनाब 1 टी स्पून वाइट वेनेगर सिरका, 1 टी स्पून हॉट सॉस या रेड चिली सॉस, ये इसमें जाएगा, और 1 टी स्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगा, राइट। ये डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसे मैरिनेट के होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, राइट। और इसके हम सॉस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा मसाले भी जाएंगे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी, राइट। देखें, हमारी चिकन अब मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं, अलग अलग आप रखती जाएं इसे, और जब ये ब्राउन हो जाएंगी कलर में तब हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर हम इसका सॉस रेडी करेंगे, राइट। देखें, ये हमारी चिकन अब हो चुकी है। जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आए और क्रिस्पी हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के जाएंगे और फिर हम इसके सॉस की तैयारी करेंगे। इसी तरह हम सारी अपनी चिकन के पीसेस तल लेंगे और फिर इसका मंचूरियन का सॉस हम रेडी करेंगे। देखिए, हमारी चिकन हो चुकी है। अब हम इसके सॉस की तैयारी करेंगे, राइट। देखिए, अब हम सॉस की तैयारी करेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं चॉप लहसुन डाल दूंगी। अगर आपके पास सीसमे ऑयल हो तो आप वो भी ले सकती हैं। थोड़ा सा लहसुन को हम सौते करेंगे। देखिए, हमारे लहसुन अब सौते हो चुके हैं। अब हम इसमें हरी प्याज जो मैंने आपको सब्जियाँ दिखाई थी और ये सब्जियाँ डाल देंगे। प्याज भी आप इसी तरह काटें और इनके ऐसे ऐसे स्लाइसेस कर लें, खुद ही हो जाएंगे अलग। थोड़ा सा सौते करेंगे, बिल्कुल स्लो इसके आप ये काम कीजिएगा। अब इसके बाद हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, हमें इनकी जो है कलर हमें ख़राब नहीं करना है, राइट। अब हम इसमें डालेंगे जनाब सोया सॉस, वन टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे,
वन टेबल स्पून हम इसमें वाइट विनेगर डालेंगे। और हॉट सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस ये भी हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। एक हम इसके अंदर चिकन क्यूब डालेंगे जो कि ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालिएगा, नहीं हो तो जनाब आप मत डालिएगा। हम इसमें डाल देंगे। कुछ हमें रेड चिली फ्लेक्स चाहिए, हम इसमें डाल देंगे। अब हमें 1 teaspoon शुगर चाहिए, 1 teaspoon हल्का सा शुगर डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे तक कि हमारा एंड क्यूब जो है मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर जनाब केचप डालेंगे। एक कप हम इसमें केचप डाल देंगे, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप नाप के डालिएगा। ये हम इसमें डाल के इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चाइनीज सॉल्ट भी इसमें डाल सकती हैं। अब हम एक कप पानी लेंगे और उसके अंदर 2 tablespoon कॉर्न फ्लोर मिक्स करके इसमें डालेंगे और इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे। राइट, हाफ टी स्पून में सॉल्ट, सॉरी भूल गई थी, हाफ टी स्पून हम सॉल्ट डालेंगे इसमें। राइट, इसको मिक्स करेंगे। बस 5 मिनट बाद हम इसमें कॉर्न फ्लोर मिक्स करके डालेंगे। देखिए अब हम इसमें 1 cup पानी डालेंगे। एक कप हम इसमें टैप वाटर डालेंगे। राइट, जैसे ही हमारे इसमें सॉस में उबाल आएगा हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर मैंने ये मिक्स करके रखा है पानी में डिजोल्व करके, ये हम इसमें डाल देंगे। निकाल लो अम्मा, चल रही है। देखें ये उबाल आ गया है, अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। जल्दी जल्दी स्पून चलाएंगे इसमें। हमारा सॉस अब रेडी है, थोड़ी देर हम इसे ढक के रखेंगे, उसके बाद हम अपनी चिकन इसमें जो हमने फ्राई की थी वो इसमें डाल देंगे। राइट, देखें ये हमारा सॉस अब रेडी है, अब हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी, सब हम इसमें डाल देंगे। सारी चिकन हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चिली भी डालेंगे। बच्चे अगर आप ये पसंद करते हैं, थोड़ी सी आप इसके अंदर
अदरक भी ऐड कर सकती हैं, राइट। ये हमारा सॉस रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, राइट। देखें ये हमारे चिकन मंचूरियन अब रेडी है, हम इसे सीजनिंग सीड से जो है गार्निश करेंगे। देखें क्या शानदार हमारी चिकन मंचूरियन बनी है। मैं इसे एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करूँगी, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और अपने घर में बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।